गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार। ताल, लय और सुर जिसके कंठ में ऐसे बसे जैसे चंदन में खुशबू, शास्त्रीय संगीत में बनारस घराने की एकमात्र सितारा जो बुलंदी से चमक रही है वो है गिरिजा देवी, हिंदुस्तानी गायकी की महारानी गिरिजा देवी। श्रीमती गिरिजा देवी जी आज भी एक टिप सामने जो खड़ी होती है तो रोंगटा खड़ा कर देते हैं, एक साल लगा के वो कमाल करते हैं। कोई भी वो ठुमरी गाएंगी तो उसके आप साहित्य को समझिएगा तो वो स्वरों से साहित्य को समझा देती हैं। पान उन चबा के मतलब एक सुर लगाना के एक अलग सा माहौल, गिरिजा देवी इज ए माहौल। भारत की एक कल्चरल कैपिटल और सबसे पुराना शहर है बनारस। बनारस कम से कम 3000 साल का पुराना शहर है। कल्चर, गंगा, शहनाई, तुलसीदास जी सब बनारस के घाट में आए। तो एक कल्चरल जो एक प्रवाह जिसको बोलते हैं फ्लो, कल्चरल फ्लो ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक बनारस में रहा, ये शायद और कहीं नहीं दिखा। तो बनारस में काफ़ी दिन गाते बजाते बजाते तबले का घराना, गायकी का, फिर ठुमरी का, फिर शहनाई भी तो बिस्मिल्लाह खां साहब बनारस में ही रहे, तो इसीलिए बनारस की, फिर बनारस की पान, बनारस की लस्सी, बनारस की मिठाई और हमारा विश्वनाथ जी का टेम्पल, आज भी बनारस का नाम लेते हैं तो हमें टेम्पल का याद होता है। ऐसा एक शहर है बनारस। बहुत ही गौरव फील कर रही, मैंने पसंद कर रही हूँ कि मैं वहाँ जन्म लिया मैंने और वहाँ ही मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, संगीत की शिक्षा ली और मेरे गुरुजी लोग दोनों ही बनारस के थे, पंडित सरजू प्रसाद मिश्रा जी, पंडित श्री चंद्र मिश्रा जी, उनसे संगीत की शिक्षा लिया। और चूँकि काशी नगरी में शिव का प्रभाव, गंगा का प्रभाव, माँ अन्नपूर्णा का प्रभाव, क्या कहें, सारे देवी देवताओं का प्रभाव वहाँ पर है कि लोग गए हैं और हर जगह से जाते हैं वहाँ पर भगवान का दर्शन करने, गंगा का स्नान करने, पूजा करने। तो इसलिए मुझे भी बहुत ही गौरव महसूस कर रही हूँ। इस वक्त हम हैं गिरिजा देवी के बनारस के घर के सामने। 8 मई 1929 को बनारस में जन्मी गिरिजा देवी को संगीत का पहला ज्ञान मिला अपने पिता रामदेव राय से। बनारस के इसी गली में है स्वर सम्राज्ञ का घर, बल्कि इस पूरे रास्ते का नाम ही उनके नाम पर रखा गया है। ये घर में हो न हो उनका स्पर्श है हर ओर और महसूस भी होता है। उनका संगीत जीवन का करीब 35 वर्ष मेरे सामने में देखा। ठुमरी सम्राज्ञी हम बोल सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, लफ्ज़ों को अदायगी, कैसे शब्द को एक्सप्रेस करना है, इसके वो रानी थी। बोल बनाओ कि ठुमरी जो है, वैसे ठुमरी की बहुत प्रकार है, धनाक्षरी ठुमरी है और बोल बनाओ की ठुमरी है, पूरब अंग की खास जो है, पूरब अंग की ठुमरी लखनऊ में और बनारस में।
पैदा हुआ है लखनऊ में, फिर बनारस में भी, और वो बनारस में उनका पैदाइश है। मैं उनको माँ जी करके पुकारता हूँ, हालांकि सब लोग उनको अप्पा जी बोलते हैं, मगर मैं कभी अप्पा जी उनको बोला नहीं, शुरू से मैं माँ जी करके पुकारता था। गुरु माँ, मैं क्या ये गाना गाऊँ? गुरु माँ क्यों, तुमको अप्पा बोलना चाहिए पहले 97 में। तो मैंने क्यों अप्पा अप्पा, तो मैंने घबरा गई किया, गुरु माँ अप्पा नहीं नहीं तुमको अप्पा, सब लोग हमको अप्पा ही बोलते हैं। हमारी बड़ी दीदी हैं, कज़न सिस्टर, माँ की सिस्टर, उनके बेटी जो बेटा हुआ छोटा, मेरे पहले हुआ होगा, वो बड़ा था भाई, नहीं है, तो वो बहुत सुंदर सा बच्चा था, लड़का, तो वो माँ को बचपन में अप्पा पा पा पा, माँ छोटी थी तब, तो उसका अप्पा पा पा करता था, तो अप्पा 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 कहता था, तो वो अप्पा ही कहता था बच्चा भैया। वो जब अप्पा कहने लगा तो हम लोग जो थे सब अप्पा अप्पा कहने लगे, ये अप्पा कुछ मतलब नहीं है, उसके भाई के अप्पा कहने की वजह से माँ को अप्पा कह के बहुत, और माँ को बड़ा अच्छा लगे अप्पा अप्पा कहता है वो, उसी से हम लोग सब अप्पा हो गए, जगत अप्पा हो गई। अप्पा she's a quite interesting personality and she's very, sometimes she's very moody, sometimes she's very disciplined and very colorful personality. आवाज की जो एक बुलंदी, औरत कलाकार को इतना बुलंदी आवाज और पावरफुल आवाज, और साथ साथ उतना ही नरमियत, उतना नाजुकी जो उनका गाने में हम लोग सुनते हैं, दुनिया को मालूम है, सबके सामने उनका रिकॉर्डिंग मौजूद है। ऐसा है कि वो पान उन चबा के, मतलब एक सुर लगाना के एक अलग सा माहौल, गिरिजा देवी इज ए माहौल, गिरिजा देवी इज ए, क्या कहो, अब तक इंस्टीट्यूशन जो शुरू हुआ था ठुमरी का हिसाब से करीब 600 साल पहले, अकबर बादशाह या मुगल पीरियड में, जो मुझे लगता है कि वही जमाने का लास्ट एक अंदाज उनको देख के मुझे तो मिलता था ऐसा। टप्पा तो माँ ने जैसे सीखा अपने गुरुजी से, बहुत कठिन ये संगीत है टप्पा, क्योंकि ख्याल तो सब लोग गाते हैं, पर टप्पा बहुत ही मुश्किल की चीज़ है, जो माँ के, मैंने माँ से सुना है, गुरु घराने से मिला है माँ को, और बहुत कम लोग अभी गा रहे हैं ये टप्पा, और माँ का तो टप्पा स्पेशल है एकदम। ठुमरी का भी है, बनारस की ठुमरी बड़ी प्रसिद्ध है, अब तो हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ठुमरी में माँ ने कुछ बदलाव लाई, इनका ये रिसर्च वर्क है, इन्होंने क्या किया, संगीत के साथ साहित्य को जोड़ लिया। जैसे साहित्य में कह रहे हैं कि तुम जाओ, तो स्वरों को जाने वाले स्वर लगाती हैं, आओ शाम तुम आओ, तो अवरोह लगता है, आने वाले स्वर। इसी तरह से कहीं पर जोर से बात करना है, गुस्से हैं, नाराज हैं, तो स्वरों में वही चीज़ देना, तो साहित्य के अनुसार ये संगीत करती हैं ठुमरी का, इसलिए इनकी ठुमरी इतनी भावात्मक हो गई, क्योंकि इसमें इनकी भावना जुड़ गई। बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए, वो जो मन में एक टंदन, एक दुख, अपने घर छोड़ के पियर जा रहे हैं,
और दूसरा फिर उनके संगीत में वही ये तो एक करुण रस आ गया जा रहा है। और फिर कि जब ये मेरी आत्मा हम इस पृथ्वी को छोड़कर जब जाते हैं उनके पास तो एक ये कष्ट होता है ना नैहर छूट रहा है उस परमात्मा से मिलने का ये है। लेकिन एक ये है ना तो बाबुल मोरे के दोनों सूफी वो आध्यात्मिक तत्व हो जाता है उनके संगीत में आपको श्रृंगार के साथ साथ भक्ति दोनों का ऐसा समन्वय हो जाता है कि ठुमरी का अलग रस प्रकट होता है। इसी से माँ की ठुमरी और लोगों की ठुमरी से अलग हो गई। बनारस का खास चीज है साउंड प्रोडक्शन तबले में गाने में बोल बनाओ मतलब दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। किस तरह सैया बोल तनिक मुझसे रही हो ना जाए सैया बोल। ये गाना गुलाम अली खान साहब का रिकॉर्ड किया हुआ है मगर कैसे सैया को बुलवाना है सैया बोलेगा सैया का बाप बोलेगा सैया का परदादा बोलेगा इस तरह बुलवा लेते हैं। द न्यू ग्रूव डिक्शनरी ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस के अनुसार गिरिजा देवी एक अनोखी गायिका इसलिए है क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत में अर्धशास्त्रीय संगीत के साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का तड़का लगाकर गायन प्रस्तुत करती है। कैसी बसिया बजाही कान्हा ये एक लाइन है। कैसी कैसी बसिया बजाई ये काना मोरी सुध बिसराई। ये बसिया बजाई बजाई कैसे बसिया बजाई काना मोरी सुध बिसराई मैंने सब भूल गई इतना अच्छा बसी बजा रही है कन्हा। तो उसी पे संगीत की जो एक वोकल कंट्रीब्यूशन है वो श्रीमती गिरिजा देवी जी का मैं तो सबसे ज़्यादा बोलूँ वो कि पुराना प्रबंध छंद माठा परमाठा ये सब बंदिश भी एक दो करके वो गाती है हमने सुना मगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका बोल बनाव में है। ১৯৪৬ में गिरिजा देवी ने अपने ब्याह के बाद संगीत साधना कायम रखी और अपना पहला परफॉर्मेंस दिया 1949 में ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद पर। ये उनके संगीत जीवन की एक नई शुरुआत थी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी माँ और दादी को इस खुशी से एतराज था। सही बात उस समय उनको स्ट्रगल तो करना पड़ा। आज हम लोगों को इतनी फ्रीडम है हम डांस कर रहे हैं गा रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं उनके ज़माने में बहुत कुछ उनको सुनना पड़ता था। मुझे याद है गांव से हमारी आती थी रिलेटिव्स जितनी नानी की बहनें मैंने ये लोग सब लोग कहती थी क्या दिन बाद चिल्लाती रहती क्या करते पता नहीं गाना घर का काम करना चाहिए। तो माँ उन लोग के साथ बैठ के घर में चक्की भी चला लेती थी आटा वो चावल अवल दाल वो हमारे घर में था तो वो सब भी करती थी। इसीलिए माँ ने उन लोगों के लिए ही शायद फोक वगैरह का गाना बन्ना बन्नी सोहर ये सब सीखा वो सब हम लोग को भी अच्छा लगता था। हम लोग गुड्डा उड्डा की शादी माँ करती थी तब सब खूब मजा लगाते थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद गिरिजा देवी ने अपनी माँ और दादी को मनाया और फिर सन 1951 में किया बिहार के आरा जिले में अपना पहला पब्लिक कॉन्सर्ट। उसके बाद उनके एक संपूर्ण गायिका बनने का रास्ता खुल गया। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा अपनी आवाज से उन्होंने पूरा विश्व जीत लिया। सन 1978 when she came, कलकत्ते में आई थी ITC संगीत रिसर्च एकेडमी के एक गुरु बनकर वो बनारस से पंडित विजय कुमार किचलू जी उनको जबरदस्ती पकड़ के बनारस से यहाँ लाए थे। हालांकि ITC संगीत रिसर्च अकेडमी में वो ज्वाइन करने से पहले ही मैं ज्वाइन किया तो उसके बाद
परिचय हुआ, एक साथ रहने लगे। हमारे कैंपस ITC के जो कैंपस है SRA का, उस कैंपस में ही हम रहे और गिरिजा देवी जी भी, माँ जी भी वहाँ ही रहते थे। बीच में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए कई साल छोड़ के गई थी, फिर वहाँ से फिर वापस आ गए, अभी हमारे साथ ही है। मेरा 86वां वर्ष चल रहा है, मगर अपने काशी के लिए, बनारस के लिए मैं अभी तक सारे हिंदुस्तान और विश्व में भी घूम चुकी हूँ। मैं अपना प्रोग्राम इसलिए देती हूँ कि मेरी आने वाले जो हमारे बच्चे लोग हैं वो समझ लें कि ये 10-20 साल का काम नहीं है, इसके लिए जीवन छोटा पड़ता है। और इसे जितना हम दे सकते हैं अपने आगे आने वाले जनरेशन को, उतना ही हमें सुख मिलता है। इसलिए मैं अभी भी सब जगह प्रोग्राम कर रही हूँ और प्रोग्राम करके सब बच्चों को समझाती हूँ कि वो इस तरह से अपने को कमज़ोर ना समझें कि मेरी 40 वर्ष उम्र हो गई, हम कैसे गाएं बजाएं या नृत्य करें या वाद्य करें या पढ़ाई करें, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे गंगा कहाँ से आई, गंगा कहाँ जा रही है, तो इसलिए वो बहती रह रही है निरंतर अपनी धारा, उनका कभी रुकेगा नहीं और न कोई रोक सकेगा। उनके साथ मैं कम से कम 100 प्रोग्राम में बाजा बजाया, यहाँ नहीं, यहाँ देश भर में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, हर जगह उनके साथ बाजा बजाया और एक साथ रहे। खाना पीना, खाने का बहुत शौकीन है, ज़्यादा खाती नहीं, बहुत कम खाती है, मगर एकदम चुनी हुई चीज़, अगर ये नहीं होगा, अगर फुलका ठंड हो गया तो नहीं खाएंगे, दाल अगर नमक ज़्यादा हो गया तो छुएंगे नहीं, मतलब बहुत शौकीन है। और बनारस से अलग अलग किस्म का पेड़ा, मिठाई, फिर लड्डू सब ला के हम लोगों को खिलाती है। घर में घुसते घुसते मैंने बहुत खुशबू आते हैं, बाप रे बाप, इतना खाने का खुशबू। तो मैं बहुत भूखी थी, कॉलेज से मैं गई 5:30-6 बजे, तो अपा जी बोल रहे, मैंने कहा अपा इतना खुशबू कहाँ से आती है, मैंने देखा एक साड़ी इधर से ये लेकर किचन में, तो मैंने कहा अपा क्या कर रही है, ठीक है तू क्या कॉलेज से आई, बाद में बता रही हूँ क्या मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा अपा इतना खुशबू, थोड़ा रेसिपी हमको दे दीजिए ना क्या क्या आप बनाती है, लेकिन पहले तू खा ले। मैंने देखा एक प्लेट लेके एक रोटी चपाती और एक बर्तन छोटे कटोरे में थोड़ा वो जो ग्रीन जैक फ्रूट उसी के एक प्रिपरेशन बना रही थी, तो लेके आई, तो मेरा आंसू आ गई। मैंने सच कुछ, मैं तो बहुत भूखी हूँ, हमको कहा तू कॉलेज से आई बहुत भूखी है, तू खा ले पहले, और उसके साथ साथ एक गिलास पानी भी, ये तो एकदम मदरली टच। गिरिजा देवी के कई रूप हैं, गायिका होने के साथ साथ अध्यापिका, सहेली और माँ का भी, कभी गुस्सा तो कभी प्यार, कभी अधिकार तो कभी दुलार। उनकी रिकॉर्डिंग है, चिम्बी की रिकॉर्डिंग का मुझे अभी भी याद है, सेकेंड टाइम होगा, जा रही हैं तो पूरा खाना पूरी सब्जी बना के लेके दमदम चली कलकत्ते में, हमने क्यों कर रही हैं, बोली वहाँ जाके सब खाएंगे ना, जो लोग रिकॉर्डिंग करेंगे उन्हें भी खिलाना है, कोई आर्टिस्ट करेगा। मैं कभी कभी बोलती माँ कोई नहीं कहेगा कि आप एक सिंगर हैं गिरिजा देवी, आपको तो कंप्लीट हाउसवाइफ ही रहना चाहिए। बीच में उनका तबीयत जरा ठीक नहीं रहती थी, कई मरतबा उन्हें हॉस्पिटल गए और जाने से पहले, मगर अभी भी क्या एंथुसियास्टिक है, कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, ये तो 2 दिन का फट कर देंगे, ऑपरेशन काट देंगे, बस मैं आ जाऊँगा, इस तरह बात करती है। तो कोई लेडी में ये उम्र में
इतना कॉन्फिडेंस और इतना आनंद के साथ सब कुछ सब चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं जब पहले सीखने लगी, जब गुरुकुल किए इनके साथ एक महीना रही बनारस में, ऐसे लगा कि दोबारा पैदा हो गया, कि मैं एकदम बच्चे बचपन से फिर शुरू कर रही हूँ। क्योंकि इनका घर में जो नियम कानून बहुत पुराने ज़माने के संस्कार है और रीति है जो हम लोगों को मानते हैं, और हम लोग मतलब खुशी से मानते हैं। मैं एक बार बहुत छोटी थी तो हमारे एक मामा आए गांव से, तो मैं उनके साथ 7-8 साल की रही होंगी, मुझे याद है। मैं उनके साथ, मुझे भी घुमक्कड़ थे, घर से निकल के मैंने कहा थोड़ा सा, माँ से बिना पूछे चले गए थे। आज भी उनसे बिना पूछे कोई कहीं नहीं निकल सकता, बोल के जाओ। गए और बाहर से गए तो गए, पान वान खा के आ गए और माँ ने देखा तो पूछा कहाँ से पान कही। मैंने कहा वो डिब्बे में रखा था, पास गया, झूठ बोल दिया था। फिर वो मामा जी तो बेचारे इनोसेंट गांव के लोग बोल दिए कि हम ही ले गए थे, इसको ले गई लड़ी और इसको खिला दे ली, पान खाया मांगी। फिर तो माँ छुट्टी हो गई, बोली अब तुम्हारा गला दबा देंगे पान खाया है तो वो दबाने चली। फिर माँ के गुरु जी लोग थे हमारे सब, और सब लोग थे, नानी वानी आ गई, दादाचाचा, मौसी थी, लोग अरे अरे ऐसा मत करो, उसको अब कभी नहीं बोलेगी झूठ, ना हम लोग नहीं कभी नहीं बोलेंगे यही सब हुआ। तो हम लोग झूठ बहुत डर के मारे नहीं बोल सकते थे। 1989 में गिरिजा देवी को पद्म भूषण दिया गया। इसके अलावा पद्मश्री, तानसेन अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और न जाने कितने सारे सम्मान और पुरस्कार उनकी कृति का बखान करते हैं। गिरिजा देवी हमारी गंगा गौरव है, इस मिट्टी की गौरव है, और हमें गर्व है कि हम उनके साथ कुछ पल बिता पाए। हमारे संगीत साहित्य और जो अच्छे ऋषि महर्षि मुनि जो लोग पैदा हुए हैं, वो लोग सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे भारत में कितने प्रकार की विद्या लोगों ने सीखा और सीख करके उसको लोगों में ध्यान दिया और बांटा। भगवान बुद्ध भी काशी में ही थे और उन्होंने प्रवचन किया। महावीर स्वामी जैन हों, बौद्ध हों, और हमारे शैव मत हैं, वैष्णव मत हैं, सभी कुछ काशी में है। इसलिए काशी के ऊपर 2-4 मिनट के लिए बोल करके उसका हम समाप्त नहीं कर सकते। उसके बोलने के लिए तो पूरी पूरी फिल्म बने, तब जा कर के एक महत्वपूर्ण चीज़ रह जाएगा हमेशा के लिए। तो आप लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन लोगों ने बनाया है या जो लोग बना रहे हैं, जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, उनको बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद रहे, माँ गंगा की कृपा रहे कि फले फूले और आगे बढ़े। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।